आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज डिवाइस मैनेजर फॉर बिगिनर्स, खासतौर पे बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है। विंडोज डिवाइस मैनेजर व्हाट इज इट, क्या है ये? ये कंट्रोल पैनल अपलेट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस, यानी जब भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं आपके पीसी में, तो कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स रन होते हैं, उसमें से छोटा सा एक प्रोग्राम होता है अपलेट। अपलेट बोलने का एक स्मॉल प्रोग्राम होता है, पर्टिकुलर टास्क को वो काम करने के लिए दिया जाता है। इसका जो पर्टिकुलर टास्क क्या है, ये कंट्रोल पैनल की तरह काम करता है। यहाँ पर वो पूरा सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, उन चीज़ों को हम कहते हैं यहाँ डिवाइसेस, यानी सारे डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइस को कंट्रोल करने वाला एक स्मॉल प्रोग्राम है, जहाँ क्या क्या डिवाइस अटैच होके है, मतलब चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, जो भी आपके पीसी के साथ जो अटैच होके है, क्या अटैच होके है और किस डिवाइस के साथ क्या प्रॉब्लम है, या सही डिवाइस क्या सारे डिवाइसेस सही ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन जानकारी और आपको कंट्रोल करने का जो सारा सिस्टम जो भी है वो यहाँ पर होता है। ये है कंट्रोल पैनल अपडेट, इसे हम कहते हैं विंडोज डिवाइस मैनेजर, ठीक है। डिवाइस मैनेजर हाउ टू एंटर, इसे कैसा एंटर करना है, मतलब हमें डिवाइस मैनेजर जाना कैसा है, ठीक है। हाउ टू गो टू डिवाइस मैनेजर, सिंपल सी बात है, गो टू रन डायलॉग बॉक्स, आपको रन डायलॉग बॉक्स जाना है। उसके लिए आपको करना क्या है, शॉर्टकट की है प्रेस विन प्लस आर, ठीक है। टू गो टू डिवाइस मैनेजर टाइप devmgmt.msc, यानी जब आप प्रेस विन प्लस आर करेंगे तो आपके पास एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आपको टाइप करना है DEV यानी डिवाइस MGMT यानी management.msc, ठीक है। इसे आपको टाइप करना है, आप जाओगे विंडोज डिवाइस मैनेजर के अंदर, ठीक है। विंडोज चाहे वो 10 हो, 8 हो, 7 हो, उसका जो डिवाइस मैनेजर है उसका जो बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, उसके दो बेनिफिट्स हैं, हम देखेंगे क्या है। जो पहला बेनिफिट है, इट अलोस यूजर्स टू व्यू एंड कंट्रोल द हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो जो हार्डवेयर अटैच होके है उन सारे को आप देख सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब किस हार्डवेयर को रखना है, किस हार्डवेयर को निकालना है, किस हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के डिटेल्स आप जानकारी आप रख सकते हो, ठीक है। जो सेकेंड बेनिफिट क्या है, ये टिप है, आप टिप क्या देखेंगे, इफ़ देर इज़ एनी एरर, मान लो कि कोई एरर आ रहा है, क्या कोई एरर आ गया है, व्हेन ए पीस ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट वर्किंग, जब कोई हार्डवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक एरर आ गया समझो, तो जब क्या होता है देखेंगे। डिवाइस मैनेजर इटसेल्फ, डिवाइस मैनेजर अपने आप में फाइंड्स द लोकेशन ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का लोकेशन वो फाइंड करेगा काम पर इन द लिस्ट में। यहाँ बात लिस्ट की आ रही है तो थोड़ा मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, यहाँ पर जब भी आप डिवाइस मैनेजर में जाते हैं तो आपको एक लिस्ट दिखेगा, ठीक है। उस लिस्ट में जो भी आइटम्स होंगे सारे चीज़ें ड्राइवर्स हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो उसको हम डिवाइस भी कहते हैं, तो वो सारे डिवाइस का लिस्ट जो भी है उसमें से किसका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को वो फाइंड करेगा, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिवाइस, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ हाईलाइटेड बाई डिवाइस मैनेजर, यानी डिवाइस मैनेजर से हाईलाइट करता है, ठीक है। इट इज़ हाईलाइटेड बाई द डिवाइस मैनेजर, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर एक बात बोलनी है, जब भी आप डिवाइस मैनेजर जाते हैं तो आपको एक लिस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, एक लिस्ट देखने को मिलता है जो भी ड्राइवर का लिस्ट है, तो ये सारे ड्राइवर्स हिडन होके रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या होता है, हाईलाइट होता है, ठीक है, वो हाईलाइट किया जाता है, डिवाइस मैनेजर उसे हाईलाइट करता है, देखते क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एरर कोड 10 आ गया है तो एक मैसेज होगा आपके पास, दिस डिवाइस कैन नॉट स्टार्ट, ट्राई अपग्रेडिंग द डिवाइस ड्राइवर्स फॉर दिस डिवाइस कोड 10, इस तरह कोई मैसेज आएगा आपको, बाद में आपको मालूम पड़ेगा ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसा मालूम होगा, ये आपको इंडिकेशन देगा, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस के अंदर I2C HG डिवाइस के पास एक येल्लो कलर का साइन दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर येल्लो कलर साइन है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बोल के डिवाइस मैनेजर हमें हाईलाइट करके दिखाएगा। तो ये डिवाइस मैनेजर का एक काम करने का तरीका है। तो ये था डिवाइस मैनेजर के बारे में, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नए बातों के साथ।